Hello dear students, as in our last lecture we discussed parametric forms and their derivatives. So I explained you examples there. आपसे बोला गया था कि आप एक्सरसाइज 5.6 ट्राई कीजिएगा ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इनकेस आप उनसे शेयर कर सकें. तो आज हम 5.6 का वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट भी है एंड इट मे बी समवेयर डिफिकल्ट फॉर यू. आई होप आपको उसमें डाउट आया होगा, तो इसीलिए आज हम इसे अच्छे से समझेंगे कैसे हमें 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11 करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सो इफ़ एक्स इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी एंड वाई इज इक्वल टू रूट ए रेस्ट टू द पावर कोस इनवर्स टी, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स. आपको क्या करना है, एक्स और वाई दो फंक्शन गिवन है इन फॉर्म ऑफ टी, पैरामेट्रिक फॉर्म है ये. आपको इसका डेरिवेटिव निकाल कर माइनस वाई बाई एक्स के इक्वल लाना है. तो चलिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. आई नो पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको क्या करना होता है, वॉट वॉज द की रूल. अगर आपको फंक्शन टी का दिया हुआ है तो आप डी एक्स ओवर डी टी निकालते हैं, यानी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे. सिमिलरली वाई को विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे. हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो हम डी वाई बाई डी एक्स को कैसे लिखते हैं, इन फॉर्म ऑफ दिस टी हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स. देखिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे दिस विल बी रिमूव्ड, डी वाई बाई डी एक्स ही आ रहा है. यानी हम एक्स को किसकी मदद से लिख रहे हैं, चेन रूल की मदद से हम इसे डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं डी एक्स बाई डी टी निकालना. सो लेट्स कॉल इट वन एंड सेकेंड. ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन एंड टू विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, सबसे पहले क्या करते हैं आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए. एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ ये रूट का मतलब पावर हाफ होती है, और जब यहाँ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी की पावर हाफ होगी तो पार से पार मल्टीप्लाई, तो ए टू द पावर हाफ साइन इनवर्स टी आप लिख सकते हैं इसे. इसी तरह वाई की वैल्यू हो जाएगी ए रेस टू द पावर हाफ कॉस इनवर्स टी. कैसे हुआ, ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी की पावर हाफ, रूट हट गया है और हाफ से कॉस इनवर्स टी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी यही आंसर आएगा. सो नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग, अब देखिए डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स. अगर आपको ध्यान हो जहाँ आपने डेरिवेटिव्स लर्न किए हैं, एक्स इज की वैल्यू अगर है आपके पास, या फिर आप वाई कह लीजिए, आप वाई देख लीजिए जो आपको अच्छे से लर्न है. वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ ए, ए टू द पावर एक्स की फॉर्म है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता था, डायरेक्ट डेरिवेटिव. ऐसे आप लॉग से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको लॉग मेथड यूज़ करना है, लेकिन अगर हमें लॉग, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न है तो हम लॉग का क्यों इस्तेमाल करें, इसमें हम लॉग लेकर इसे आगे सॉल्व करते. लेकिन फॉर्मूला लर्न है तो क्या करेंगे, फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ये आप याद रखेंगे. ए रेस टू द पावर एक्स हैज़ डेरिवेटिव ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए. अब देखिए यहाँ हाफ साइन इनवर्स टी इज़ इन पावर, ये एक्स की तरह ट्रीट होगा, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा हाफ साइन इनवर्स टी. देखो ए टू द पावर एक्स फिर आता है लॉग ए, लॉग यानी देखो नीचे बेस में ए है तो लॉग ए एज इट इज़ इन टू, क्योंकि इसे हमने एक्स ट्रीट किया है, ये एक्स है नहीं, तो चेन रूल की मदद से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. तो हाफ साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होगा, हाफ कॉन्स्टेंट साइन इनवर्स टी का होता है वन अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर. अब टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, सो विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, सो डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा ये, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो देखो टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डी टी बाई डी टी यानी वन होता है, इस लिखने की भी जरूरत नहीं है. आगे बढ़ाते हैं. सो आई गॉट ए टू द पावर हाफ साइन इनवर्स टी लॉग ए, ये हाफ ऑलरेडी है तो इसे इधर लिख लेते हैं हाफ, इंटू वन अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर. सिमिलरली फाइंड डी वाई बाई डी टी, सो आई गॉट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए ए टू द पावर एक्स अगेन ए टू द पावर एक्स लॉग ए, सो ए टू द पावर एक्स ये तो पूरा एक्स है एज इट इज़ नोट कीजिए, हाफ कॉस इनवर्स टी लॉग ए एज इट इज़ इन टू, क्योंकि इसे हमने एक्स ट्रीट किया, ये एक्स है नहीं तो इसका डेरिवेटिव चेन रूल की मदद से निकलेगा. हाफ कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव, हाफ तो कॉन्स्टेंट है, कॉस इनवर्स टी का होता है माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर, और डी टी अपॉन डी टी वन. सो आई गॉट वैल्यू एज माइनस हाफ वन माइनस टी स्क्वायर ए टू द पावर हाफ
cos inverse t into log a. सो आई गॉट बोथ डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी. अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए. सो क्या करना है, इस्तेमाल करना है दोनों को. सो वी नो, हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में ब्रेक करना है. सो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, वैल्यूज रख दीजिए. डी वाई बाई डी टी की कितनी वैल्यू आई है, माइनस हाफ वन माइनस टी स्क्वेयर ए टू द पावर हाफ कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन डी टी बाई डी एक्स, का मतलब है वन अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यानी डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर दो इसे, गिरा डी एक्स बाई डी टी. क्या हो जाएगा ये, ए टू द पावर हाफ साइन इनवर्स टी लॉग ए इंटू टू रूट वन माइनस टी स्क्वायर. ठीक है, डी टी बाई डी एक्स का मतलब है इसका उल्टा करके लिखना है. तो ये ऊपर है न्यूमिरेटर, ये नीचे चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर बन जाएगा. देखिए टू रूट वन माइनस टी स्क्वायर ऊपर आ गया और ऊपर था वन दिस टर्म एंड वन, तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे. देखो लॉग ए और एट द पार हाफ साइन इनवर्स टी नीचे आ गया. डी वाई बाई डी टी को एज इट इज़ लिखा है. देखिए अब कुछ कैंसिलेशन हो सकता है तो कर दीजिए, ये इससे कैंसिल, टू से टू कैंसिल, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, ए टू द पावर हाफ से ए टू द पावर हाफ कैंसिल. नो, ये दोनों साथ में पावर में है तो अलग अलग आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं. तो आपके पास क्या रह गया है, दैट इज़ इक्वल टू, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है माइनस ए टू द पावर हाफ कॉस इनवर्स टी अपॉन ए टू द पावर हाफ साइन इनवर्स टी. अब देखिए माइनस एज इट इज ए टू द पावर हाफ कोस इनवर्स टी किसकी वैल्यू है, दैट इज वाई, और ये है एक्स की वैल्यू. सो माइनस वाई अपॉन एक्स. सो दिस वे वी प्रूव्ड क्वेश्चन दैट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू, कैसे हम सिंगल डेरिवेटिव निकाल कर माइनस वाई बाई एक्स के इक्वल लाते हैं. अब देखिए करना क्या, एक बार इसको दोबारा से रिविजन ले लेते हैं इसका. हमने किया क्या है, हम x की वैल्यू गिवन थी, y की गिवन थी, शो करना था कि सिंगल डेरिवेटिव माइनस वाई बाई एक्स के इक्वल आएगा. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये रूट हटाना है. रूट का मतलब हाफ पावर होती है, आधी पावर, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. तो जब ए टू द पावर साइन इनवर्स टी की हाफ से आप ऊपर पावर लेंगे तो हाफ साइन इनवर्स टी हो जाएगा, इक्वेशन वन इसे माना है. इसे भी सिंप्लीफाई किया, ए टू द पावर हाफ कॉस इनवर्स टी इक्वेशन टू, इसकी मदद से ये रिजल्ट लाना था. तो आप देख रहे हैं सिंगल डेरिवेटिव चाहिए और ये पैरामीट्रिक फॉर्म है. तो x को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, y को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, फिर dy by dx को आप लिखेंगे dy by dt into dt by dx. अब आप जब dx by dt निकाल रहे हैं तो a to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है, y अगर a to the power x है तो dy by dx क्या है, a to the power x log a. ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको लर्न करना है. बेस a है तो log a आता है बाद में, और a to the power x का a to the power x ही रहता है. सो a to the power x पूरा ही है, ए टू द पावर एक्स एज इट इज़ लिखा, फिर आपने लिखा लॉग ए इंटू, आगे ये क्या किया है, क्योंकि पावर में एक्स नहीं था आपने सपोज किया है, तो चेन रूल क्या कहता है, जो सपोज्ड एक्स है उसे आप डेरिवेटिव निकालिए और मल्टीप्लाई करके लिखिए. सो मल्टीप्लाई हाफ का हाफ ही रहेगा, कॉन्स्टेंट है. साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर. आप टी है विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो डी टी बाई डी टी यानी वन हो जाएगा, लिखने की नीड नहीं है इसे, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं. फिर हमने इसे सिंप्लीफाई करके लिख दिया हाफ ए टू द पावर हाफ साइन इनवर्स टी लॉग ए अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर. नाउ सिमिलरली डी वाई बाई डी टी आपने निकाला है, सेम प्रोसीजर आपने फॉलो किया है, बस यहाँ माइनस में टर्म आ गई है. अब आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, आपने इसे ऐसी फॉर्म में लिखा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, दोनों की वैल्यू पुट की, कैंसिलेशन किया, तो आपका आंसर आया माइनस ए टू द पावर हाफ कोस इनवर्स टी अपॉन ए टू द पावर हाफ साइन इनवर्स टी. That was equal to y and this is x. तो आपका expression आ गया है dy by dx is equal to minus y by x. So this way we did important question of exercise 5.6. That was question number 11. So आप लोग बाकी question भी अच्छे से try कर चुके होंगे I hope, क्योंकि आपको example भी समझा दिए गए हैं. In case कोई doubt आता है अभी भी तो आप पूछ सकते हैं. और आगे जो हमने new topic शुरू किया है second order derivative, आप उसको देखिएगा और उसके ट्राई क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिएगा, यानी आप 5.7 भी ट्राई करेंगे
उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. सो कीप स्टडिंग एंड टेक केयर योर सेल्फ. थैंक यू.